Exercise 7.3 question 8. Ramesh had 20 pencils. Silu had 50 pencils. Jamal had 80 pencils. After 4 months, Ramesh used up 10 pencils. Silu 25. Jamal 40. What fraction did each use up? Check if each has used up an equal fraction of her या his pencil. ठीक है, so आपको बताना है कितनी fraction pencil है ना इन्होंने use में ले लिए, क्या ये fraction equal है. So रमेश के पास 20 pencil थी, उसने use कर ली 10, तो fraction हो गया 20 में से 10 pencil, तो 10 ऊपर आएगा 20 नीचे. Okay, so ऐसे शीलू का 25 pencil उसने use में ले लिए 50 में से, इसने 40 pencil use में ले लिए 80 में से. Now इनको चेक करना है कि ये तीनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है क्या, इक्वल है या इक्विवेलेंट है. तो कैसे चेक करते हैं, इनको सिंप्लीफाइड करके. ठीक है, अगर ये 1 के अलावा कॉमनली किसी और टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, सो इनको कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को. अगर नहीं हो रहे हैं तो देन वही सिंप्लीफाइड है. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 10 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों ही कॉमनली, तो 10 से कर दिया. 10 वन जा 10, 10 टू जा 20, ये 25 से हो रहे हैं, 25 वन जा 25, 25 टू जा 50, तो 1/2, 40 वन जा 40, 40 टू जा 80. सो आप चाहो तो छोटे छोटे नंबर से भी करके स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो. मैंने डायरेक्टली ही 10 से डिवाइड कर दिया. आप चाहते तो यहाँ 2 से, देन 5 से, तो उसका मीनिंग यही रहता है 2 इंटू 5 यानी 10. सो 1/2, 1/2, 1/2, इनका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आया है वो सेम है. इट्स मीन ये जो फ्रैक्शन है वो कैसा है, इक्विवेलेंट है, इक्वल है.